इंडिया में सिंगिंग रियलिटी शो काफ़ी पॉपुलर हैं। उनमें से इंडियन आइडल मोस्ट पॉपुलर है, जिसे बच्चा हो या बड़ा सभी देखना पसंद करते हैं। तो आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आइडल 12 की पॉपुलर कंटेस्टेंट अरुणिता कांजीलाल के बारे में, और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है अरुणिता कांजीलाल, निक नेम है आरू, प्रोफेशन से एक सिंगर हैं। इनका जन्म 18 जनवरी 2003 को कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में हुआ था। 2024 के हिसाब से इनकी एज 21 ईयर्स है। अब इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट 2 इंच है, आई कलर ब्लैक, हेयर कलर ब्लैक है, नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई संत जावियर्स स्कूल कोलकाता से की और कॉलेज की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से की। अब इनकी फैमिली के बारे में देख लेते हैं। तो इनके फादर का नाम अवनी भूषण कांजीलाल है, इनकी मदर का नाम सरबानी कांजीलाल है। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं, तो ये अभी अनमैरिड हैं। इंटरनेट पर से रूमर हैं कि इनके बॉयफ्रेंड पवनदीप राजन हैं। अब इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। अरुणिता ने 8 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनकी माँ को भी गाना पसंद है, जो संगीत के लिए उनकी प्रेरणा बनी। उन्होंने अपने मामा से संगीत भी सीखा है। उन्होंने अपनी सिंगिंग जर्नी 10 साल की उम्र से शुरू की, जब उन्होंने 2013 में जी बंगला के सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा लिटिल चैंप में भाग लिया, जहाँ वह शो की विजेता बनी। अरुणिता ने विभिन्न फंक्शन में लाइव परफॉर्मेंस किया है और इन्होंने पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर शान के साथ कुछ इंटरनेशनल शो भी किए हैं। 2020 में अरुणिता ने सोनी इंटरटेनमेंट टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के लिए ऑडिशन दिया, जहां उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से जज को इम्प्रेस कर दिया और अपने परफॉर्मेंस के लिए गोल्डन टिकट हासिल किया, और इस शो से ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई। आज इनको इंडियन आइडल के नाम से ही जाना जाता है। शो में उनका यादगार पल वह था जब एक्टर्स हेमा मालिनी उनके फेवरेट सॉन्ग में से एक मेरे नसीब में सॉन्ग से इतनी इम्प्रेस हुई थी कि उन्होंने उन्हें काला टीका लगा दिया। इसके बाद इन्होंने कुछ सिंगल सॉन्ग भी गाए हैं, जिनके नाम हैं श्री राम चंद्र कृपालू, लव नहीं तो क्या है, ठुमक चलट इस दिल को, इतने पास, शिव स्तुति, मौला तेरे नैना। इसके साथ साथ इन्होंने मूवी में भी सॉन्ग गाया है। इन्होंने कश्मीर मूवी में सॉन्ग गाया है और अभी ये 2024 में सुपर स्टार सिंगर 3 में एज अ कैप्टन आई हैं। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं। तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहती हैं। इनकी कास्ट देख लेते हैं। तो इनके पास कार है मारुति की स्विफ्ट। इनकी इनकम देख लेते हैं। तो ये 2 से 3 लाख रुपए पर शो का चार्ज करती हैं। इनकी नेटवर्थ देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्थ 30 लाख रुपए होती है। तो ये थी अरुणिता कांजीलाल की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको एक लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।